शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले अपने भाई परवेज़ मसीही जो कि अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उनको दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर खुश आमदीद कहता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। और ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसलिए कि ये किसी दूसरे मज़हब से इस्लाम की तरफ अल्लाह ने इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली है। और हमारे भाई शाहनवाज साहब ये पाक आर्मी के जो है वो एहलकार हैं, ये इनके दोस्त हैं पाक आर्मी में। इन सब की कोशिश से मैं पाक आर्मी को भी सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने भी मेहनत की। जाहिर बात है कि ये जो इनके दोस्त हैं इनके अखलाक से इनके किरदार से ये भाई मुतासर हुआ है। तो मैं तमाम अहले इस्लाम से ये गुजारिश करूंगा कि अपने अखलाक को बेहतर करें और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ दावत दें ताकि दीन इस्लाम का गलबा दुनिया के अंदर गालिब हो जाए। मैं एक बार फिर अपने भाई परवेज़ जो कि अब अब्दुल्ला नाम रख लिया है, अब्दुल्ला साहब को दीन इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद पेश कर चुका हूँ। परवेज़ भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं उकाड़ा शहर का रहने वाला हूँ। किस जगह के? उकाड़ा। उकाड़ा के रहने वाले। तो आप पैदाशी मसीह हैं? जी। यानी पैदा ही मसीह हुए हैं? जी। तो कैसे इस्लाम को आप कैसे किस तरह आना हुआ, ये किस तरह मायल हुए आप इस्लाम? मायल कैसे हुए आप इस्लाम की तरफ? अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं? कोई जबरदस्ती? कोई दबाव है? कोई जबरदस्ती है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है जी। तो अल्लाह ताला का हुक्म था तो उसको तो मैंने मानना है। अल्लाह ताला का हुक्म तो मानना है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है जो भी होता है। इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आपका पहला नाम क्या था और आज आपने नया नाम क्या रखा है? पहले मेरा नाम था परवेज़, अभी मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। इसमें आप पर कोई दबाव तो नहीं था? नहीं नहीं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, ना मुझे किसी किस्म का लालच है। तो इस्लाम के बारे में आपने कुछ पढ़ा भी है, कोई रिसर्च भी की है कि ये कैसा मज़हब है? जी मैं मुसलसल 18 साल हो गए मुझे, मैं मसलन देखता आ रहा हूँ, आर्मी में जॉब करता हूँ तो मैं देखता आ रहा हूँ अपने भाइयों को इस्लाम में के अखलाक से एक दूसरे से पेश आते हैं, मोहब्बत से तो अदब से अल्लाह ताला के घर जाते हैं, इबादत करते हैं। इस चीज़ से मैं बहुत मुतासर हूँ और वैसे भी मुझे अल्लाह ताला का हुक्म था तो फिर इसको तो मेरे मानना है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। जी जी पढ़ लेते हैं? पढ़ लेते हैं। ला इलाहा। जी जी मुझे सीख लिया मैंने। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई बालक लगे मोहम्मद ये शानवाज भाई की, शानवाज भाई की वजह से जो कुछ भी हुआ अल्लाह ताला मजीद इन्हें इस्तेकामत और तरक्कियां दे और अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले। अपना खुसूसी लुत्फ़ कर फरमा, सबना दा खात्मा ईमान ते फरमा, जिन्हें दुनिया दी बेहतरियां अता फरमा। इलाही वाह या रब्बुल आलमीन, जिन्हें जिन्हें संगियां कोशिश की थी
या रब्बुल आलमीन अपने महबूब के चेहरे व दुआ दा सदका वसीला सारे दी कीती गई सही कोशिश में अपनी बारगाह शरफे कबूलियत अपना खुशी लुत्फा कर फरमा इस मजलिस दे विच कोई तेरा नेक बंदा उसी उस नेक बंदे दा सदका वसीला या रब्बुल आलमीन सारी दुआई मुबारक हो जी।